हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसका नाम है मेल्ट पैक। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको 30 सैशेज आते हैं, तो लगभग उसमें 14 ग्राम का उसमें एक पाउडर है। तो क्या पाउडर है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हर दिन के लिए 1 महीने का ये डोज है। इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। बात करें, आज जो ओबेसिटी है एक एपिडेमिक बन चुका है। आज बोला जाता है इंडिया में 73% लोग जो शहरों में रहते हैं वो ओवरवेट, और बोला जाता है 4 इंडियंस में 3 इंडियंस आर ओवरवेट माने जाते हैं। अपने वेट से ज्यादा उनका वजन देखा जाता है। ये ज्यादा रिस्क वाला एज कौन सा है? कहते हैं 28 से लेकर 38 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और कहते हैं आज जितने भी 4 में से 3 इंडियन जो ओवरवेट है, बोला जाता है मैक्सिमम लोगों को मिनिमम 11 kg तक वेट कम करने की, 11 kg तक वेट कम करने की जरूरत है। आपको पता है, बोला जाता है ये जो वेट बढ़ता है नॉर्मली 28 से लेकर 30-40 इयर्स के बीच में, उसको बढ़ने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छे से डाइट मेंटेन करे और बहुत सारी चीजों को अगर 3 महीने तक लगातार किया जाए तो उसको सही तरीके से कम भी किया जा सकता है। लेकिन बात करें, कारण बहुत सारे देखे जाते हैं। इसके कारण क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। मतलब अगर फैमिली में पेरेंट्स ओबेज हैं तो बच्चा भी ओबेज देखा जाता है, मोटापा देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चे में कंपलसरी है। ऐसा क्यों देखा जाता है? क्योंकि डाइट वही है, रहन सहन वही है, सब कुछ वही है, तो ये कारण एक देखा जाता है। तो हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर आप कह सकते हैं कि ये भी एक कारण देखा जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम पुअर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब भी ये वर्ड मेटाबॉलिज्म आप सुने ना, तो मेटाबॉलिज्म को सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझाती हूँ, क्योंकि आगे बहुत बार ये मेटाबॉलिज्म शब्द हम यूज करने वाले हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर में जाता है, बॉडी में जाता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है आते हैं उस खाने को एब्जॉर्ब करती है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, आपके खून में जाता है, आपके जो कोशिकाएं हैं उस खाने को लेते हैं, बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। ये जो सारी चीज है उसको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर है तो वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को आपने सुना होगा ये कुछ भी नहीं खाते लेकिन वेट बढ़ मतलब कुछ भी नहीं खाते लेकिन तब भी वेट बढ़ जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा ये कितना भी खा ले वेट ही नहीं बढ़ता है। क्यों? अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है तो आपका जो वेट है वो जल्दी बढ़ेगा नहीं, और अगर आपका स्लो है मेटाबॉलिज्म तो आपका वेट जल्दी कम नहीं होगा। तो आपका अगर पुअर मेटाबॉलिज्म है तो ये भी वेट बढ़ाने में मदद करता है। या आपके खाने में बहुत ज्यादा फैटी चीजें हैं, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा राइस, ज्यादा मैदा, ज्यादा बर्गर, ये सब चीजें खा रहे हो, आप ज्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो, ज्यादा चीनी खाना, या आपके खाने में फाइबर की मात्रा कम है। फाइबर मतलब बोला जाता है खाने में सलाद खाइए, सैलड्स खाइए, ये सब चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसमें फाइबर ज्यादा है। तो अगर फाइबर की कमी होती है तो भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको अगर नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में हर जगह बोला जाता है, सारी बीमारियों का कारण बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, मतलब अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपका लैपटॉप पे बैठने का काम है या बैठे रहना है या टीवी के सामने बैठे रहना है, तो अगर बात करें सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं मिनिमम, अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में काम कर सकते हैं, घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो मिनिमम बोला जाता है 8,000 स्टेप एक दिन में एक इंसान को लेना चाहिए। तो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ड्रग इंड्यूस्ड भी ओबेसिटी देखी जाती है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा पहले तो ठीक थे लेकिन बहुत दिनों से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसी बहुत सारी जब मेडिकेशन हम लेते हैं, दवाइयां खाते हैं, वो उनके भी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो याद रखिएगा, बस जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है तो वो खाना ही ज्यादा खाता होगा, कारण बहुत सारे देखे जाते हैं। एक और भी कारण है जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ओबेसिटी भी कहते हैं। मतलब जब कोई लेडी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद मैक्सिमम लेडीज का वेट बढ़ना देखा जाता है, तो ये भी एक तरीके की ओबेसिटी देखी जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है अगर हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो भी बॉडी है उसको ले नहीं पाएगा। अगर आपके थायराइड का इश्यू है, अगर आपको याद होगा मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म में बताया था कि बहुत सारे लोगों में या तो वेट बहुत कम होने लगता है या थायराइड की वजह से वेट बढ़ने भी लगता है। तो अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो भी वेट बढ़ने की प्रॉब्लम देखी जाती है।
मैक्सिमम जेंट्स में देखा जाता है कि जो फैट होता है वो ज्यादा उनकी एब्डोमिनल एरिया मतलब बेली फैट ज्यादा देखा जाता है, पेट के पास ज्यादा चर्बी देखी जाती है, जिसको हम पेयर शेप्ड कहते हैं बॉडी। नॉर्मली विमेन में एप्पल शेप बॉडी देखी जाती है। एप्पल शेप का मतलब उनकी बॉडी में ज्यादा उनके हिप एरिया के कमर वाली एरिया पे ज्यादा फैट जमा देखा जाता है। तो ये एप्पल शेप बॉडी मोस्टली विमेन में देखा जाता है, और पियर शेप बॉडी जिसको हम कहते हैं पेट के ऊपर ज्यादा चलती है, वो जेंट्स में देखे जाते हैं। बात करें कारण क्या होता है, आप जितना खाना खा रहे उतना ही अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मतलब जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना ही कैलोरी आप बर्न भी कर दे रहे हैं, तो वेट गेन नहीं देखा जाता। कब होता है ये प्रॉब्लम, जब आपकी कैलोरी इंटेक जाता है, आप खा ज्यादा रहे लेकिन आप बॉडी में कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, घर में दिन भर बैठे हुए हैं, तो जाकर वेट गेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। मतलब जो खा रहे हैं उसको निकालना भी जरूरी है। इसलिए अगर बात करें, आप अपना एक BMI चेक कर सकते हैं। ये BMI आप इंटरनेट पर जाइएगा, BMI कैलकुलेटर आप गूगल में सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऐसे BMI कैलकुलेटर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपना हाइट डालना है, वेट डालना है, KG में आपको वहां पे मिल जाएगा ऑप्शन। आपका अगर BMI 18 से बिलो आ रहा है, 18 से बिलो EMI है, तो आप BMI है तो आप अंडर वेट है, मतलब आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका BMI 18.5 से 18.5 से लगभग 25 के बीच में, आप नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है BMI, अगर 25 से लेकर 30 के बीच में है तो आप थोड़ा सा ओवरवेट है, आप 5-6 KG अगर आप कम कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका BMI 30 के ऊपर है तो आपको ज्यादा ओबीज माना जाता है, और ये आगे चलकर बहुत सारे हेल्थ कंडीशन को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि जब ज्यादा भी वेट बढ़ जाता है तो आगे चलकर डायबिटीज की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्यों होता है, जब आपके सेल्स, जब कोशिकाओं में ज्यादा सेल जम जाता है तो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत सारे ओबीस पे जो पेशेंट होते हैं या ज्यादा उनका वेट बढ़ जाता है, उनको आगे चल के डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों, अगर आपकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इट मीन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जम रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आगे चल के हार्ट अटैक के भी चांसेस आने की प्रॉब्लम देखी जाती है। आपके लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिवर अच्छे से काम नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा वेट बढ़ने की वजह से आपके जो बोन्स हैं उस पर पड़ने लगता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। और कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। याद रखिएगा, कैंसर के जो सेल्स है, अगर हम ज्यादा भी दिन में बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो कैंसर के जो सेल्स है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसको ज्यादा जब खाना मिलता है तो उसका ग्रोथ भी होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप किसी भी धर्म में चले जाइए, हर धर्म में फास्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म में फास्टिंग को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो मरने भी लगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। लेकिन बात करें मार्केट में इसका क्या सलूशन है, बोला जाता है मार्केट में बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहते हैं अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा स्वेट नहीं हो रहा है तो वेट कम करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं। आप अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम तो रेगुलर मतलब जिम ज्वाइन तो कर लिया बट रेगुलर जा नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वेट चाह के भी वो कम नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे क्रैश डाइट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, 10 दिन में 15 KG वेट कम कर लो, 1 महीने में 10 KG वेट कम कर लो। याद रखिएगा, जो हम ये क्रैश डाइट पे अपनी बॉडी को डाल देते हैं ना, बॉडी एक एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में चली जाती है। मान लीजिए हो जाता है आपका 10 KG वेट कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वो डाइट खत्म करते हैं, आप उसको छोड़ते हैं, तो आगे चलकर फिर से डाइट जो वेट होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्रैश डाइट के आगे चलकर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। लाइपोसक्शन की बात करें, अभी तो बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं, कुछ सर्जरी में तो जो पेट होता है स्टमक उसको ही काट कर थोड़ा छोटा कर दिया जाता है ताकि आप कम खाना खाओ। लाइपोसक्शन से जो फैट होता है बॉडी का उसको सक करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये जो सर्जरीज होती है, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, दूसरी चीज इससे बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, और कभी कभी तो पेशेंट की और ज्यादा जो हालत होती है, लोगों की हालत होती है, वो खराब हो जाती है। तो अगर बात करें एक अच्छा तरीका क्या है जिससे हम उसमें लड़ सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका जो नेचुरोपैथ या नेचुरल या आयुर्वेद में बोला जाता है वो क्या है, आपके बॉडी के हर एक सेलुलर लेवल पे मतलब बॉडी के हर एक कोशिका पे हमें मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, मतलब आपके बॉडी के हर सेल में खाना अच्छे से पचना चाहिए, बॉडी उसको यूज करना चाहिए, हर एक सेलुलर लेवल पे ये चीज करनी पड़ेगी।
दूसरा आपके भूख को कम करना पड़ेगा नेचुरल तरीके, मतलब हमें जब भूख ज्यादा लगती है तो हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो नेचुरल तरीके से आपके भूख को सप्रेस करना पड़ेगा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना पड़ेगा। नेचुरल तरीके से बॉडी का अगर वेट कम किया जाए तो फिर से रिवर्स होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होता है, मतलब पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप बहुत सारे क्रैश डाइट के ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो उसमें बोला जाता है कि शाम के 4-5 घंटे के बाद आप ज्यादा सॉल्ट इनटेक ना करें, ज्यादा नमक ना खाएं, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से बॉडी ज्यादा वाटर रिटेन करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मैं ज्यादा तो नहीं खाता लेकिन तब भी मेरा वजन क्यों ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज करता है, जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हमारी बॉडी में 3 चीजें बनती है, एक होता है एनर्जी, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होती है हवा, एयर। दो चीजें जो है वो बॉडी निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर को बॉडी एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो बॉडी यूज करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब आप जो खाना डाल रहे हैं बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, तो जो एनर्जी है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, आपका ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर होना फैट के रूप में स्टार्ट हो जाता है। अब इसको कैसे हमें कम करना है, फैट को अगर कम करना है तो एक ही तरीका है, आपके हर एक सेलुलर लेवल पे जाकर हर एक कोशिका के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना पड़ेगा, हर एक सेल के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना। और आपको पता है हमारा जो बेस है वो आयुर्वेदी है, और हमने आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद में जो नेचुरल तरीके से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और उसमें हेल्प करती है। इसीलिए हमारी कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आई है जिसको हम सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मेल्ट फैट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फैट को लिटरली मेल्ट करता है, किस तरीके से मेल्ट करता है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो मेल्ट फैट है उसमें एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ना डिटेल में एक एक कर हम आज देखेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाला है उसको हम कहते हैं सीलियम हस्क। सीलियम हस्क को हम हिंदी में इसबगोल भी कहते हैं। कुछ लोगों ने इसबगोल को रेगुलर, कुछ लोग खाते भी है जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो इसबगोल को खाते भी है। इसबगोल का एक पावर क्या है, इसबगोल का एक नेचुरल जो उसका आदत है वो क्या है, जैसे आप इसबगोल को पानी में डालते हैं वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है, और जब वो फूल जाता है तो ज्यादा एरिया कवर कर देता है। यहाँ पे हमने 2 तरीके के इसबगोल का यूज किया है, सीलियम हस्क का यूज किया है, एक जो है वो है इनसॉल्युबल और एक है सॉल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबल जो होता है वो घुल जाता है और आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको पकड़ के बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, और जो इनसॉल्युबल है जो नहीं घुल पाता है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत उसमें जाता है, जो भी बैड टॉक्सिन्स है वहां पे या जो भी खराब चीज है, ऐसी चीज है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है उसको आप ये कह सकते हैं उसको सोख के एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालता है। बहुत देर तक आपको भरा हुआ फीलिंग देता है, आपको भूख नहीं लगती है, इसलिए नेचुरल तरीके से आपके भूख को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होगा आप कम खाओगे। और दूसरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है, ये जो सीलियम हस्क है ये फाइबर में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो जिनको भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन पेट साफ नहीं हो रहा है उनके लिए सीलियम हस्क बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। जैसे आप इस वीडियो में अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे आपने मेल्ट फैट लिया, मेल्ट फैट पानी के साथ मिक्स करके आप पीते हैं तो ये क्या करता है आपके पेट को भर देता है, और जैसे जैसे ये स्वेल होने लगता है, फूलने लगता है, आपके पेट का लगभग 70% जो भाग है ये भर देता है। तो जो आप खाना खाते हैं तो 30% ही खाना खा पाते हैं, तो नेचुरल तरीके से ये बॉडी का वेट लॉस करने में भी मदद करता है और जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। एक जो सैशे आप देखते हैं उसमें 2500 mg सीलियम हस्क डाला गया है। अब जो दूसरा जिसमें हमने इंग्रेडिएंट डाला है वो है हमारा टी कैटेकिन्स। ये टी कैटेकिन्स क्या होता है, जैसे आप इसमें थोड़ा सा मैं बैक में जाकर आपको रिवाइज करवाती हूँ, जैसे हमने अगर आपको याद होगा हमने स्पिरुलिना गोल्ड में चीज याद पड़ी थी कि स्पिरुलिना गोल्ड में हमने उसमें सिट्रस बायो फ्लेवोनॉइड्स डाला है जो एक एंटीऑक्सीडेंट था, तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स का शब्द है ना ये जो एंटीऑक्सीडेंट को बताता है। तो टी कैटेकिन मोस्टली चाय में पाया जाता है, स्पेशली किस में पाया जाता है, ग्रीन टी में पाया जाता है,
जो टी कैटेकिन है इसका एक बेनिफिट क्या है, ये थर्मोजेनिक एक्टिविटी करता है। थर्मोजेनिक का मतलब आपके बॉडी के अंदर एक हीट, एक ऊर्जा प्रोड्यूस करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो क्लिनिकली इसको प्रूव किया गया है कि ये आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। और अभी 2016 में एक सर्वे हुआ जिसमें एक बहुत अच्छी स्टडी आई है जो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में। उसमें बोला गया कि अगर कोई इंसान दिन भर में कोई भी ड्रिंक पीता है जिसमें 625 mg उसमें टी कैटेकिन है, और अगर आप साथ में उसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पेट की चर्बी कम करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो वो उसके जो काम करने की जो क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको उससे और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी से ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम कर देता है। तो ये जो टी कैटेकिन आप देख रहे हैं, पहली बार किसी फैट बर्नर प्रोडक्ट में ये टी कैटेकिन डाला गया है। तो मेल्ट फैट के अलावा आपको किसी भी फैट बर्नर प्रोडक्ट में ये चीज जो है टी कैटेकिन वो नहीं मिलेगा। तो टी कैटेकिन क्या करता है, एनर्जी जो हीट है उसको जनरेट करता है, नेचुरल तरीके से फैट को लिटरली बर्न करके बॉडी से बाहर निकालता है। ये गार्सिनिया क्या है, आपने बहुत सालों से गार्सिनिया कंपोजिया नाम का एक फ्रूट देखा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। गार्सिनिया अलग तरीके से काम करता है, ये सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट को कम करता है, जिसको क्लिनिकली प्रूफ किया गया है। लेकिन ये करता कैसे है, इसमें एक स्पेशल एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं, ये एक HCA नाम का एक एसिड पाया जाता है। ये जो एसिड है वो क्या करता है, हमारा बॉडी फैट को बनाने के लिए उसको एक एंजाइम की जरूरत होती है, एक चीज की जरूरत होती है। ये जब आप लेते हैं गार्सिनिया, तो गार्सिनिया क्या करता है, जो चीज फैट बनाने में हेल्प कर रही थी, जो एंजाइम मदद कर रहा था, उसको ही ब्लॉक कर देता है। जब वो एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो बॉडी फैट को बना नहीं पाती है उस टाइम पे। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए तो बॉडी क्या करेगा, जो बॉडी का फैट है उसको बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से गार्सिनिया जो बॉडी में, बॉडी का जो फैट है उसको बहुत फास्ट रेट से उसको मेल्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या करता है, ये आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ये जब केमिकल रिलीज होता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप हैप्पी मूड रहता है आपका। अगर आपको याद होगा मैंने आपको फाइट स्ट्रेस में भी बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स निकलते, डोपामाइन, सेरोटोनिन, आपने ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा, उसी में एक केमिकल है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाता है, अच्छा महसूस करवाता है। तो गार्सिनिया जो है वो उसमें इस तरीके से हमारे इस प्रोडक्ट में हेल्प करता है। जो ये गुगल ट्रैक्ट है इसको मेडोहार भी कहते हैं, मतलब ये आपके जो फैट है उसको हराने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। ये बहुत सालों से एंटी ओबेसिटी हर्बल मेडिसिन जैसा आयुर्वेद में बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, मतलब एक ऐसा इसको एक दवाई बोला जाता है या हर्बल मेडिसिन बोला जाता है जो ओबेसिटी के लिए ही बहुत सालों से ट्रीट किया जा रहा है। ये क्या करता है, आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, मतलब बॉडी का जो फैट है उसको बॉडी ज्यादा यूज करने लगता है, उसको जल्दी बर्न करना स्टार्ट कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, गूगल एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग में भी मुझसे ये चीज पूछा था कि मैडम जब हम मेल्ट फैट लेना स्टार्ट करते हैं हमें बहुत भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए गूगल जो है वो क्या करता है, कभी कभी इसको लेने के बाद आपको थोड़ा भूख बढ़ जाती है, और इसमें लोग क्या करते हैं जब भूख बढ़ जाता है तो कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप मेल्ट फैट ले रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा भूख बढ़ रही है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्या करना है, आप ज्यादा सैलेड या फल उस टाइम पे खाना स्टार्ट करिए, ऐसी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और कुछ दिनों के बाद ये मेंटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए हमने इसमें डाला था ये गार्सिनिया, क्योंकि हमें पता है गूगल जो हम देते हैं तो थोड़े दिन कुछ लोगों का भूख बढ़ता है, तो जब हम उसके साथ गार्सिनिया डाल देते हैं तो ये क्या करता है, आपके भूख को भी कंट्रोल करने में, सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो अगर कभी किसी को ऐसा हो तो आप कह सकते हैं कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर बॉडी अडाप्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो गूगल एक्सट्रैक्ट है ये आपके थायराइड ग्लैंड पे भी काम करता है, और जब थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, क्योंकि आपको थाई हेल्थ में भी मैंने ये चीज बताई थी, जब आपका थायराइड अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर देता है, और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से चीजों को यूज नहीं कर पा रहा है, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पे भी काम करता है। जो हमने पांचवी चीज डाली है वो है हरीतकी एक्सट्रैक्ट।
याद होगा मैंने इम्यूनो 3+ में आपको बताया था कि जो त्रिफला का पाउडर होता है उसमें हरीतकी, आंवला और विभितकी, ये तीन चीजें होती है। हरीतकी को हिंदी में हरड़ भी कहते हैं। ये जो हरीतकी है ये बहुत सारी चीजों में काम करता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है, खाना अच्छे से पचाता है और हल्के लैक्सेटिव जैसा भी काम करता है। लैक्सेटिव मतलब ऐसी चीज जो आपके पेट को साफ करने में भी मदद करती है। तो हरीतकी जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और आपको पता है आयुर्वेद में जो सबसे जरूरी चीज बोली जाती है वो बोला जाता है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन नहीं है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, आपका बॉडी से खाना जो खराब चीजें वो अगर बॉडी से अच्छे से नहीं निकल पा रही है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये क्या करता है आपके डाइजेशन को अच्छा कर देता है। और हरीतकी जब आप लेते हैं तो आप जो खाना खा रहे हैं उसका जो पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी अच्छे से ले पाता है। दूसरी चीज आपके कोलन को क्लीन करता है। कोलन का मतलब हमारी जो बड़ी आंत होती है उसका एक पार्ट है, उसको साफ करने में मदद करता है। और आपके जो बॉडी का जो एनवायरमेंट है, तो आपकी इंटेस्टाइन का जो अच्छा एनवायरमेंट है, हेल्दी बैक्टीरिया को अच्छा रखने में मदद करता है। तो जो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा ना तो आपका जंक फूड खाने का फिर मन नहीं करेगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव तरीका है जिससे वेट लॉस किया जा सकता है। आगे बात करें, इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाली, त्रिकटू पाउडर। त्रिकटू के बारे में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने पढ़ा, हमने आयुष्वास में भी देखा, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट में त्रिकटू के बारे में पढ़ा। तो एक छोटा सा रिविजन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी त्रिकटू के बारे में हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। त्रिकटू तीन चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। एक होता है हमारा जिसको हम सुंठी या सौंफ या ड्राइड जिंजर, जो अदरक होता है सूखा हुआ अदरक, उसको मिला वो होता है। दूसरी चीज होती है हमारा जो ब्लैक पेपर होता है, इसको हम मिर्च भी कहते हैं, काली मिर्च भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा पीपली। ये तीनों को मिला के त्रिकटू का पाउडर बनाया जाता है। त्रिकटू का पाउडर की जो पोटेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। तो जब बॉडी में आप इसको लेते हैं तो एक इंटरनल हीट क्रिएट करता है और नेचुरल तरीके से फैट को कम करने में मदद करता है। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में त्रिकटू जरूर डाला जाता है। क्यों? त्रिकटू के बारे में मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में बताया है कि त्रिकटू और जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं और जो हर्ब्स डाले गए हैं प्रोडक्ट में, उसकी बायो एविलिटी को इनहांस कर देता है। मतलब और जो जड़ी बूटियां हैं वो काम करेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है त्रिकटू का, ये आपके जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो आपका जिसको हम आयुर्वेद में जठरग्नि भी कहते हैं, या अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें आपके पेट का जो एसिड है उसको अच्छे से बनाने में मदद करता है, ताकि जो आप खाना डाल रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। और लास्ट में हमने और भी तीन इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एक अमलतास का पाउडर डाला है, ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और हल्का पेट साफ करने में मदद करता है। मेथी सीड्स पाउडर जो है वो ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और जो वेदांगा है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कैटेकिन, मेथी पाउडर और वेदांगा, ये तीन चीजें जो है आज तक कभी किसी भी फैट बर्नर प्रोडक्ट में नहीं डाला गया था। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हमारे इस प्रोडक्ट की खासियत है जो पहली बार एलिमेंट्स वेलनेस में डाला गया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जो मार्केट का आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। इसको लेना कैसे है? एक ही साशे लीजिए और दिन में खाने के 15-20-25 मिनट पहले लेना है। या तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए या रात में डिनर के पहले लीजिए। 200 ml 200-300 ml एक ग्लास में अच्छे से पानी लीजिए, उसमें आपको एक साशे को मिक्स करना है और उसको अच्छे से शेक करना है और 5-6 सेकेंड ही शेक करिए और तुरंत पी जाइए। अगर आप ज्यादा दिन तक उसको छोड़ देंगे तो वो जेल फॉर्म हो जाएगा और वो जेल फॉर्म हो जाएगा तो आप उसको पी नहीं पाएंगे क्योंकि वो पूरा थिक हो जाएगा। और आपको मैक्सिमम 3 महीने तक लगातार आप इसको देना है। 3 महीने तक लगातार आप इसको लीजिए। 3 महीने के बाद एक गैप करिए। अगर आपको फिर से यूज करना, आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको फिर से यूज करना है तो 1 हफ्ते का गैप लेकर आप फिर से यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वेट बहुत ज्यादा है तो 2-3 साशे में एक साथ ही पीना स्टार्ट कर देता हूं, आपको लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगेंगे क्योंकि ये लैक्सेटिव जैसा भी काम करता है, इसमें सीलियम हस्क है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप मेल्ट फैट ले रहे हैं आपको थोड़ा अपनी वाटर इंटेक को बढ़ाना होगा। मतलब 2-3.5 लीटर आपको पानी दिन भर में पीना है क्योंकि आप सीलियम हस ले रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा वाटर इंटेक अपना बढ़ाना है, पानी थोड़ा ज्यादा पीना है।
और इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आप तक पहुंचा आपको करनी है। अभी इस टॉपिक पे नारायणा सर का एक स्पेशल मैसेज है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगी, वो क्या है, मैंने इस पॉइंट पे पहले भी एक बार बात किया था फाइट स्ट्रेस में, कि मेल्ट फैट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने लिया और आपका सारा कुछ ठीक होने लगा। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, जिसको हम डेला कहते हैं। डेला मतलब डाइट एंड न्यूट्रिशन, खाना भी अच्छे से खाना है। कुछ लोगों को लगता है कि मेल्ट फैट ले रहा हूं, अब तो मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी करूं, मेरा वेट कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, नारायण सर का कहना है इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एक तभी काम करेगा जब आप डेल पे ध्यान देंगे, मतलब खान पान भी अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा योगा करना है, वॉकिंग पे ध्यान देना है, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, दिन भर में कुछ ना कुछ नहीं खाते रहना है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे खाइए। अब आप एक ही चीज याद रखिएगा, ए तभी काम करेगा जब आप डेल का ध्यान देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि जब डेल करना ही है तो ए की जरूरत क्यों है। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी वेट कम नहीं हो रहा है। तो ये आयुर्वेदिक जो सोल्यूशन है मेल्ट फैट, वो आपके सेलुलर लेवल पे जाकर काम करता है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको हाई रखने में मदद करता है। और थोड़ा बहुत तो अपने साइड से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर सच में रिजल्ट चाहते हैं तो इसीलिए जब भी आप किसी को ये प्रोडक्ट दे, कभी ये बोलकर मत दे, देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ना एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जो खाना है वो खाइए, ये प्रोडक्ट लो, वेट कम हो जाएगा। गारंटीड ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम कभी भी किसी को गलत बोलकर कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो ये सारी चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रिकॉशन क्या करना है, 10 साल से छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रेग्नेंट लेडी को हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर किसी का लिवर डिसऑर्डर है, मतलब लिवर का कुछ सीरियस इश्यूज है, उसमें हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। और पेन किलर्स, अगर कोई बहुत ज्यादा पेन किलर्स खा रहे हैं, तो उस केस में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा ओबेस है ना, बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, बीएमआई मतलब 35 के ऊपर है, तो प्लीज ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को कभी भी गलत बोलकर किसी को मत दीजिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकता है या बॉडी में और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे केस में नहीं देना। तो ये हमारा मेल्ट फैट एक प्रोडक्ट है जो हमारे उस पर काम करता है। तो अगर बात करें एडवांटेजेस में, अगर हम बात करें तो एडवांटेज यही है कि फॉर्मेशन के इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने कवर किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने देखे हैं, मेल्ट फैट भी आज हमने कवर किया है। अब जो कल हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा न्यूट्री लाइफ पे होगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में तीन तरीके के